हेलो दोस्तों, AIO नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूरज ग्रह और चंद्र ग्रह कैसे लगते हैं। बहुत से लोग ये जानते हैं कि ग्रहण हर साल लगते हैं, पर उनमें से कुछ ही लोगों को ये जानकारी बहुत कम होती है कि ग्रहण लगते कैसे है, क्या होती है इसके पीछे की वजह। चांद कोई ग्रह नहीं बल्कि ये एक उपग्रह माना जाता है, यानी कि एक सैटेलाइट जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी के मुकाबले 1/4 इंच के बराबर है। पृथ्वी से चांद की दूरी 384,400 किलोमीटर की मानी गई है। चांद पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। और सूरज के बारे में जानने के लिए आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां से जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रह और सूरज ग्रह लगता कैसे है। ये तो आप सभी जानते हैं कि चांद धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूरज का। वैज्ञानिक शब्दों में समझे तो चंद्र ग्रह एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब चांद धरती के छाया से गुजरता है। आसान शब्दों से आपको बताता हूँ कि सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है, फिर चांद पर सूरज का प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है, तो उसे ही चंद्र ग्रह कहते हैं। धरती की छाया दो तरह की होती है, पिनम्ब्रा और अम्ब्रा। लंबी शैडो को पिनम्ब्रा कहते हैं, छोटी और डार्क शैडो को अम्ब्रा कहते हैं। चंद्र ग्रह तीन तरह के होते हैं, टोटल, पार्शियल और अनम्ब्रा। वहीं अगर बात करें हम सोलर इक्लिप्स के बारे में, यानी कि सूरज ग्रह के बारे में, तो ठीक उसी तरह से सूरज ग्रह भी होता है। यह चंद्रमा धरती और सूरज के बीच में आ जाता है, जिसे सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने में मुश्किल होती है। चांद की छाया जब धरती पे पड़ती है तो वह सूरज ग्रह कहलाती है। वैसे ही जैसे चंद्र ग्रह पर पृथ्वी की छाया पिनम्ब्रा और अम्ब्रा होती है, ठीक वैसे ही चांद की छाया को भी पिनम्ब्रा और अम्ब्रा कहते हैं। पर सूरज ग्रह चार तरह के होते हैं, टोटल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, एनुअलर इक्लिप्स और हाइब्रिड इक्लिप्स। टोटल इक्लिप्स में चांद की अम्ब्रा शैडो धरती पे कुछ हिस्से पे पड़ती है। वहीं पार्शियल इक्लिप्स में चांद सूरज को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता, वो साइड से होकर गुजर जाता है। एनुअल इक्लिप्स भी टोटल इक्लिप्स की तरह होता है, पर यहाँ पर चांद धरती से दूर होता है तो वह सूरज को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता। और आखिर में हाइब्रिड इक्लिप्स, यहाँ धरती, सूरज और चांद तीनों एक स्ट्रेट लाइन में प्रॉपरली तरीके से होते हैं। यहाँ पर चांद धरती के पास होता है,